हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको वेजिटेबल सूप कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वेजिटेबल सूप बनाना शुरू करते हैं। मैंने तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज। इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और सूप का टेस्ट बहुत अच्छा है। ज्यादा नहीं पकाना है और इसे एकदम ही मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है। लगातार चलाते रहिए। इसे लगातार 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है इसमें से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारी सब्जियां। सब्जियां में मैंने कॉलीफ्लावर ले लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी इसे भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, गाजर बारीक कटा हुआ इसे भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है, बारीक कटा हुआ बीन्स, हरी मटर, और ये सूप का स्वाद बढ़ाने के लिए व्हाइट ऑनियन, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूप का। और ये मैंने ले लिया है 3 कलर के कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ग्रीन, येलो और रेड। आपके पास जो अवेलेबल है सब्जी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ क्रंच करना है। सर्दियों में सूप पीना बहुत ही अच्छा लगता है और ये तो बहुत ही हेल्दी सूप है, वो भी वेजिटेबल का बना हुआ सूप है। इसे लगातार चलाते रहिए। ठीक है, मैं चला रही हूँ अच्छे से। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है और जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अगर आपको जो सब्जियां इसमें से नहीं पसंद है आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो लगातार चलाते रहिए, सिर्फ इसका कच्चापन जाना चाहिए, इसे ज्यादा पकाना नहीं है। जितना आप लगातार इसे चलाएंगे उतना अच्छा सूप बनेगा। ये हमारी सब्जियां पक गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 लीटर पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम ढककर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं हमारे सूप को। देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है सूप में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप स्वाद अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। विंटर में पीने वाला हेल्दी सूप, देखिए बहुत अच्छा बॉईल हो गया है सूप। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी, ये 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर है। इसे हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि इससे सूप थोड़ा गाढ़ा होए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमें इसे लगातार मिक्स करना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर जम जाता है नीचे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे लगातार चलाना है
और एक अच्छी उबाल आने के लिए देखिए कॉर्नफ्लावर डालते ही हमारा सूप गाढ़ा हो गया। इसे हम लगातार एक मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि सूप हमारा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बने। देखिए हमारा सूप कितना अच्छा और गाढ़ा है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में हम डालेंगे इसमें स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और हमारा सूप बनकर रेडी है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।